वर्ल्ड टीवी सब पे नजर अंदर की खबर। बताइएगा कि ये फाइनेंस बिल आ गया हुआ है और जितनी उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं उतनी तवक्कुआत आवाम को नजर नहीं आ रही, क्योंकि हुकूमत का तो जो दिल कर रहा है वो करती जा रही है। देखिए, तवक्कुआत क्या है आवाम की, मैं समझती हूँ कि जो तवक्कुआत है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात भी कर रही है, मुजाहरे भी कर रही है। आज ऐवान में भी हमने प्रोटेस्ट किया और ये जो आवाम दुश्मन हुकूमत है, जिस दिन से ये आए हैं उन्होंने हर मोड़ पर एक यू टर्न मार दिया है। इमरान खान कहते थे कि मैं ख़ुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। आज IMF के साथ मिलकर उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक ख़ुदकुश बमबारी की है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम पर ख़ुदकुश बमबारी की है। पाकिस्तान की सनत हो, पाकिस्तान का किसान हो, पाकिस्तान का आबादगार हो, सब के ऊपर उन्होंने ख़ुदकुश बमबारी की है और ऐसी कानून साजी लेके आए हैं जो मनफी है, जो गैर आइनी है, ख्वा वो स्टेट बैंक की ऑटोनमी का कानून हो या वो मिनी बजट, तो मैं नहीं कह सकती जो टैक्सेस की बमबारी की है अवाम पर, तो ये तो बजट से ज़्यादा बड़ा बजट इन्होंने दिया है और ये बहुत अफसोसनाक है और इसको हम बिल्कुल रिजिस्ट करेंगे और आज भी हमने रिजिस्ट किया है और आगे भी इसको हम कोशिश करेंगे पार्लियामान में इसको हम ब्लॉक करें। अच्छा, आखिरी सवाल बताइएगा, क्योंकि गड़ी खुदा बख्श में अभी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के ऊपर बड़ी बरसी हुई, वहाँ पे दादाई साहब ने बड़े ऐलानात भी किए और 5 तारीख को, क्योंकि आपकी CAC की मीटिंग भी वहाँ पे हुई थी, 5 तारीख को एक और लाहौर में बड़ा कन्वेंशन होने लगा है मीटिंग के हवाले से, तो क्या अहम फैसले मुतवक्के किए जा रहे हैं? देखिए, CC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हाइस्ट डिसीशन मेकिंग फोरम है, तो इस वक्त अगेन ये जो हुकूमत है अवाम दुश्मन हुकूमत और उनकी बिलखसूस जो मुआशी पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, फिर मिलिटेंट से डायलॉग की बात है, कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने फ़ैसले देगी, अपनी डिसीशंस देगी और आगे जो सियासी हालात हैं उसका लाया अमल देगी। वर्ल्ड टीवी सब पे नज़र अंदर की खबर।